हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और अभी मैं हूँ पाटीसैंण में, तो इस तरह का है यहाँ पर ये पाटीसैंण का छोटा सा बाजार। और उसके बाद मैं यहाँ पर से जाने वाली हूँ अपने ससुराल जैतोली, जहाँ पर के लेके एक रोड जाती है। ये जो सीधे रोड जा रही है ये पौड़ी को जाती है, और यहीं पर से एक रोड जाती है ऊपर को, वो जाती है मेरे ससुराल जैतोली को, और ये ऊपर से निकलती है टिकेश्वर की तरफ के लिए। तो इस रोड पर हम जाएंगे अभी जैतोली तली मेरा ससुराल है, तो वहाँ चलते हैं और आप भी मेरे साथ बने रहना। तो यहाँ पर ये देखो मेरे निकम्मे देवर जी है, ये जो कुछ खिलाते नहीं पिलाते नहीं है। और ये देखो ले अपने जी लो जिंदगी जितना खाना खाओ। ये देखो 10 रुपए में कह रहे हैं जी लो जिंदगी, बोल के खाओ। ये देखो क्या खाऊं मैं इसमें, जो खाना खाओ ऐसे करो है ना, ऐसे करो ऐसे है। ये देखो है अपने आप, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घाम के आ रहे हैं और मुझे पकड़ा रहे हैं 10 रुपए। ये देखो आप ही खा लो, लो तो कमाने में कितना कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है इनको पता नहीं है। बस घर के बर्तन धोने खाना पकाने में तो यही काम है, बाकी कुछ नहीं है। इसका पता है कितना पता लगता है इसके कमाने में, पता है मुझे पता है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपने 10 रुपये रखें और कमाएं। मैंने अपनी तरफ से दे दिए, नहीं खाया बेकार है, ये ऐसी है। बताओ इन्होंने बोला कि चलो मेरे वहाँ आओ जैतोली आओ आओ आओ, और अब मैं जब आ रही हूँ तो कुछ मतलब कोई स्वागत नहीं हमारा, कुछ खिलाना पिलाना नहीं, बस ऐसे सूखे सूखे खड़ा पिला सकते हैं, सूखे सूखे खड़ा कर रखता है हमें, पिला सकते हैं हम, बस नहीं पीना हमें। और हमारे साथ के चले गए हैं अभी, और पता नहीं रावत जी कहाँ है, उधर दुकान में खड़े होते हैं, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे, वहाँ ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जैतोली, अब दिखाते हैं तब वहाँ क्या खिलाते हैं हमें, ये क्या पिलाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं सुबह के, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, और ये देखिए गर्म पानी रखा हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना मौसम ठंडा है कि ठंडे पानी से नहीं नहाया जा सकता है, तो यहाँ पर गर्म पानी रखा है नहाने के लिए। उधर रोटियाँ बन रही हैं, और इधर ये देखिए बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी नाश्ता बन रहा है और नाश्ते की मतलब नाश्ता कर भी रहे हैं कुछ। तो अभी फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ गांव का, यहाँ पर देवी का मंदिर है वहाँ पर, और जो दूल्हा दुल्हन के साथ जाना था मुझे वो आगे चले गए हैं, और मैं पीछे रुकी रह गई क्योंकि थोड़ा सा मैं तैयार होने में लेट हो गई थी, मैं क्योंकि नहाई थी लेट, और वो नीचे चले गए तब तक, और मैं जा रही हूँ अभी। नमस्कार, आप चार पाई धोना छुआ गाँव आया छो, मतलब बटे हैं कना रहे आप, अच्छा तब घर है हम यमुना नगर हरियाणा में, अच्छा अच्छा हाँ जी, दाओ दाओ। मैं पंकज रावत आ चुके हैं, और ये पंकज रावत अपनी दुल्हन को लेके जा रहे हैं मंदिर में, और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। नमस्कार नमस्कार, हेलो, बस बस खुश रहो। हाँ दही जत में आई बोड़ी थे पहले भी, ये देखो ये ब्योली थी ना, एक और ब्योली थी ना, खुश रहो। नमस्कार जी, वाह सॉरी ताई जी की मैंने वीडियो बनाई थी, तो ताई जी कह रही है कि मेरी वीडियो देखी, सॉरी ताई, सॉरी हां, चलो फिर तो काम हो गया। अच्छा आ रखो आज मुझे बैठा, हां हां मैं का बाप को पे हुए आटा वाले के थोड़ पकवा जा वाले, हमने बंजारा से सही कर, चलो अभी चलो छो हमा, चलो छो अभी। हां अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, और वो आ रही हैं दो दुल्हनें, एक तो मेरी बहू है, एक की मैं सास हूँ, और एक की मैं जेठानी हूँ। तो मेरी बहुएं हैं ये, देखो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मेरे सास बहुएं देवरानी सब हैं। ना ना सबसे बुढ़ी छोमी, और ये हमारे बुआरी छी ना, ये हमारे बुआरी हो ना, हम बहुत चाची मतलब के सासू छोमी, और ये देवरानी छी हमारे, ये तो जान रही छो तुम। तब चलो, आप नाम क्या है? ज्योति। हाँ ज्योति, और वो अर्चना, नाम से ज्योति। अच्छा पहले मैं भी पहली बार जाना छो, और वो पहली बार जाना सी ना, और तब बिचार के बोला साड़ सूढ़ी पहनी है ना, अब बहुत दूर से मंदिर। ये है तिमले, इसको बोलते हैं वैसे अंजीर भी बोलते हैं, पर हमारी गढ़वाली में बोलते हैं तिमला। तो यहाँ पर लगे हुए हैं, और अब ये पकते हैं 1-2 महीने बाद। कल लगन तो तुम देख कालू कालू मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है ना, नया एक्सपीरियंस।
सब खुदेणी होली, खुदेणी होली, सब खिजानी होली, खिजानी होली। देखो यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है, लिए गई अभी बोली तुमको पटलो को ही बाहर। ये देखो नई दुल्हन बातें करते करते आ रही है। अभी बोला तो लग गया थक थक लग गई। बहुत वादा कर रहा है ना, और अब यहाँ भैया चांद तार तोड़ी के लो लूंगा। अरे बात तोड़ी तोड़ सकता पर फिर भी जानो चाह बात बाइक वारी ख्वाहिश पूरा करने का। ये देखो दी फिर आ रहा था भाई। ये देखो दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूल्हा चढ़ा तिमले के पेड़ में। ये देखो ये लोग चांद तारे तोड़ कर लाए, ये तिमला तोड़ के लाए। ये देखो ख्वाहिश पूरी हो गई दुल्हन की तिमलों की, खुश बचना इसकी। ये देखो यहाँ पर पक रखे हैं बेड़ू, बेड़ू पाको बारह मासा। वो देखो बंदर, यहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं जो कि हमारी बहुरानी का रोटी भी चुरा के ले गए सुबह सुबह अभी। तो दे दो है कपड़ा दाओ दाओ ठंड पैण तो मैं ना बढ़ जाना ना बढ़ तुम्हारा रास्ता ठीक है फिर बाय बाय। हमको लग गई अभी थक। ये देखो अर्चना अभी थक गई है क्योंकि वो खाली पेट गई थी वहाँ पर, और कल से उसके साथ ऐसे हो रहा है आजकल, मतलब ऐसे हो रहा है क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो खाली पेट जाते हैं सुबह व्रत रख के, फिर उसके बाद खाते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ी भूख भी लग रही होगी। लग नहीं सर हाँ, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता ना तो भूख तो लगेगी और थकान भी लगती है फिर, तो अभी आ रही है वो। अब हम पहुँचने वाले हैं, और ब्योला हमारे उसमें गढ़वाली में दूल्हे को बोलते हैं ब्योला और दुल्हन को बोलते हैं ब्योली, तो ब्योली तो ये आ रही है और ब्योला भाग गया क्योंकि उसको भूख लग गई। अभी हम पहुँच चुके हैं घर में। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।